तो फर्स्ट ईयर की क्लास बायोलॉजी चैप्टर टू से आज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर टू से हालांकि, और चैप्टर टू से स्टार्ट करेंगे जो बायो मालिक्यूल्स है, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स पढ़ने से पहले थोड़ी सी जैसे सिलेबस के चेंज के हवाले से भी क्वेश्चन है, प्लस में जो इंटर क्लास के रेगुलर एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स सोच रहे थे अब उनकी जो टॉपिक्स हैं उनका क्या होगा। जैसे हम जेनेटिक्स से पढ़ रहे थे तो जेनेटिक्स की क्लासेस हम इवनिंग में रखेंगे, डेली जेनेटिक्स की इवनिंग में क्लास रखेंगे ताकि वो आपका जेनेटिक्स चैप्टर जो है आगे कवर होता जाए। बाकी जैसे मॉर्निंग में जैसे फर्स्ट ईयर वाले भी हाफ एंट्री वाले भी हैं तो उनको चैप्टर टू बायोलॉजिकल मालिक्यूल से हम स्टार्ट करेंगे उनका। इसी तरह से थोड़ा सा एक टेक्स्ट बुक के बारे में स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, टेक्स्ट बुक हम कौन से पढ़ें। जैसे कि आपको पता है कि आपने एसटीबी तो पहले से ही पढ़ा हुआ है, एसटीबी का बायोलॉजी का बुक। एनटीबी हम डिस्कस करेंगे, एनटीबी नेशनल टेक्स्ट बुक का सिलेबस जो वो डिस्कस करते हैं। मोर ओवर अगर किसी के पास जो फेडरल का टेक्स्ट बुक है बायो का, बिकॉज अब जैसे पीएमसी ने कोई स्पेसिफाइड बुक नहीं दिया है कि इस बुक से जो आपके लिए जो पॉइंट्स होगी, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से आपको जो है एनटीबी में या एसटीबी में जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ से हम डिस्कस भी करेंगे, प्लस में पॉइंट्स देंगे। मोर ओवर इसके अलावा किसी और टेक्स्ट बुक का आपको बुक बोर्ड मिल जाए, टॉपिक तकरीबन सेम है, सवाए एक या दो पॉइंट के अलावा कोई भी नया टॉपिक या नई एडिशन है ही नहीं। अगर कोई होगी तो हम आपको बताते भी जाएंगे। तो इस तरह से आप प्लान करें, बिकॉज अब जैसे क्लियर हो गई ये बात कि कोई स्पेसिफाइड बुक नहीं दिया गया है कि ये बुक है और आप ये पढ़ें तो फिर आप एंट्री टेस्ट कवर करेंगे। तो कोशिश जैसे हमारी यही है कि जितने भी डिफरेंट बोर्ड्स के या बुक्स होंगे उनकी पॉइंट्स आपको बताते जाएं ताकि आप पढ़ते जाएं, ठीक है। तो इसी तरह से जो इतनी मीन्स डिफरेंस नहीं है, जैसे हम कहेंगे इस टॉपिक में और इस टॉपिक में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, जो जो पॉइंट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी जो है एफर्ट्स जारी रखें, मेहनत करें, और मेहनत करेंगे टॉपिक तकरीबन यही सेम क्वेश्चन तकरीबन इन्हीं जो टॉपिक्स में आएंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करें, होपफुली आपकी जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो सिलेबस के बारे में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कौन सा सिलेबस या बुक वगैरह, ठीक है। तो अब हम जैसे चैप्टर टू को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर टू बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं, और बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के हवाले से जो जो हेडिंग्स रखी गई है हमारे जो पीएमसी के सिलेबस में, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है, बिकॉज इंट्रोडक्शन जरूरी है, उसके बाद ही जैसे हम इनको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन जस्ट छोटा सा ही है, कोई इतनी डिटेल नहीं है कि कौन से बायोलॉजिकल मालिक्यूल है। जैसे आप सबको पता है कि बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में जैसे वाटर बायोलॉजिकल मालिक्यूल है, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अलावा लिपिड्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स, ये हेडिंग्स हैं। तो खास तौर पे जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स या मैक्रो मालिक्यूल्स या बिगर मालिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी जैसे पोलीसेकेराइड है, पोली लफ्स की मीनिंग ही जैसे मैनी होती है, मैनी सेकेराइड्स। पोलीसेकेराइड का जो बेसिक यूनिट होता है उसे हम कहेंगे मोनोमर कहते हैं, बेसिक यूनिट को जो मोनोसैकेराइड होगा। इसी तरह से जो प्रोटीन्स बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, पोली जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अभी डिस्कस किया कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बिगर मॉलिक्यूल हैं, पॉलीमर है, तो यकीनन उनका बेसिक यूनिट जो मोनोमर होगा। इसी तरह से जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। बहरहाल हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, प्लस में एक चीज ये वेरी कॉमन है कि एनटीबी एज वेल एज एसटीबी के अंदर प्रोपोर्शन दिया गया है कि हर एक मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या सेल के अंदर। तो प्रोपोर्शन को याद करना जस्ट ऐसे है जैसे ये चीज है याद, हार्ड एंड फास्ट है चीजें याद करनी, जो आपने पहले से याद की है सेम ही है तकरीबन। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स के हवाले से अगर हम देखें एनटीबी के हवाले से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की जो पॉइंट्स देखेंगे, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में फोर फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एनटीबी की पॉइंट है ये, एनटीबी की फोर फंडामेंटल जो काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जैसे नंबर वन कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में जनरली या ओवरऑल जैसे इनका फंक्शन या रोल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का क्या है उन्हीं को डिस्कस किया है।
प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड फ्यूल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फ्यूल का मतलब जैसे एनर्जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे ऑक्सीडेशन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में, और इसके रिजल्ट में आपको पता है एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं जिन्हें हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। तो इस वजह से जनरली एक फ्यूल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, फ्यूल। फ्यूल की मीनिंग है जैसे एनर्जी, मेन काम जैसे इंट्रोडक्शन के हवाले से बताया, हालांकि और भी फंक्शन है, इनको भी जैसे हम डिस्कस करेंगे। नंबर टू इज द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, एंजाइम्स ऑफ द सेल। तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलते हैं, बट आगे इनकी डिटेल भी जैसे मौजूदा फंक्शन वाइज उनको भी देखें। लिपिड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। लिपिड्स प्रोवाइड रिजर्व फूड सोर्स, एनर्जी सोर्स सच एज शेयर प्रोटेक्शन एंड इंसुलेट द सेल। ओवरऑल जैसे लिपिड के फंक्शन है, ओवरऑल बताए गए हैं कि लिपिड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, क्या फंक्शन है, और आगे डिटेल मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम एंड इट कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटी। सेल एक्टिविटीज की मीनिंग है जैसे आपको बताए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल इसी के जरिए कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इनहेरिट होते हैं। तो ये जितने रेगुलेशंस हैं कैरेक्टरिस्टिक की, ट्रांसमिशन ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। जैसे हमने जैसे चैप्टर 6 के अंदर डीएनए को बहुत ही डिटेल में पढ़ा इत्तेफाक से, और आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतना बहुत हार्ड टॉपिक्स जो थे बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, बट आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी, यकीनन किसी न किसी जगह पे काम आएगा। तो हमने पहले ही थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटो इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इट टेक्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए एंड प्ले रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। यू नो वेरी वेल कि जितनी इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर होती है मैसेंजर आरएनए की सूरत में राइबोसोम्स की तरफ जाती है, और राइबोसोम यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड जो आपने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी कर ली थी तकरीबन एक दिन पहले से, ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो यू नो वेरी वेल कि ये डीएनए की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए एंड देन राइबोसोम में जाता है। ओवरऑल जैसे ये इनका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जैसे एक जैसे टेबुलेटेड चार्ट है जनरली ओवरऑल बायो मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज के हवाले से। तो परसेंटेज कितना होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन एनटीबी में, ये पेज जो एनटीबी का है और एनटीबी के अंदर ये परसेंटेज भी दिया गया। तो हम अक्सर यहाँ पे एनटीबी का जिक्र इस वजह से करते हैं बिकॉज एसटीबी अब जो इनके सामने बहुत ही छोटा सा बुक रह गया है, एसटीबी की जितनी पॉइंट्स है वो अदर बुक्स में मौजूद है। एसटीबी की जितनी भी पॉइंट्स है वो अदर बुक्स में मौजूद है। यहाँ से भी हम आपको बताएंगे कि ये पॉइंट जो है, जैसे आप एसटीबी को आप जैसे भूल जाए एक बार, बिकॉज सिंथेटिक्स बुक बोर्ड वाले जो एसटीबी उन्होंने पढ़ा था, अब ये चीजें नई है, तो हम आपको नई चीजें जो जैसे सिलेबस में उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो वही चीजें सेम कवर हो जाती है। जैसे ये चार्ट है, जैसे चार्ट देखें वाटर मॉलिक्यूल वही सेम जो आपने पढ़ा था एसटीबी वाला 70%, इसी तरह से जो है प्रोटीन्स है 15% और 18%, इसी तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल के अंदर 3%, मेमिलियन सेल के अंदर 4%, और लिपिड्स एंड देन 2% और 3% रिस्पेक्टिवली। जैसे बैक्टीरियल सेल में 2% एंड मेमेलियन सेल में जैसे 3%, उसके बाद डीएनए 1% होता है और ये 0.2% मेमेलियन सेल के अंदर। सेम चार्ट आरएनए जैसे 6% और 1.1% अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट, जैसे हमारे एसटीबी में जस्ट ऐसे लिखा हुआ अदर मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पे विद एग्जाम्पल भी जैसे लिखा गया है। तो मीन्स ये 2 और ये 2 और इनऑर्गेनिक आइंस जैसे एग्जाम्पल है तो इसमें 1 और 1 सेम परसेंटेज। ये 1 और 1, 1 और 2 जो है ये सेम है। जैसे बाकी जैसे वाटर है वो भी तकरीबन सेम है। प्रोटीन का फर्क है 15 और 18%। तो इस चार्ट के जरिए आप 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो उनको आप नोट करेंगे। कौन से 2 क्वेश्चन? एक है कि द मोस्ट एबेंडेंट बायो मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज सबसे ज्यादा कौन सा है, वो है जैसे 70% आप वाटर देख रहे हैं, 70% वाटर है। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पूछा जाए, ऑर्गेनिक तो आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन ऑर्गेनिक है और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक है। जैसे आप पता है केमिस्ट्री में आपने जैसे पढ़ा होगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ है तो ऐसे बॉन्डेड है कोवेलेंटली, तो ऐसे मॉलिक्यूल को जैसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक। और जैसे ये वाटर जैसे H2O वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन तो मौजूद है बट कार्बन नहीं है। CO2 जैसे इसमें कार्बन मौजूद है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। जिसमें ये बेसिक और फंडामेंटल डेफिनेशन ऑर्गेनिक की, जिसमें कार्बन
बेसिक स्केलेटन में शामिल होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अगर इस लिस्ट में आप देखेंगे, चार्ट में देखेंगे, सबसे ज्यादा मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है प्रोटीन है। अगर मोस्ट एबेंडेंट सिर्फ लिखा हुआ तो वाटर है। एबेंडेंट लफ्ज की मीनिंग है ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो इस तरह से सबसे ज्यादा आप चार्ट के अंदर देख रहे हैं 70% ही वाटर है। डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, ताकि आप थोड़ी सी ऐसे टोकन टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप कोई गलती की गुंजाइश ना रखें, मेमोराइज करें, क्रेमिंग करें ऐसी पॉइंट्स, तो इसमें लॉजिक कोई नहीं, आप इनको याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो हेडिंग है, जैसे हम वन बाय वन हर एक मॉलिक्यूल की डिटेल डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर यू नो वेरी वेल H2O इनऑर्गेनिक तो है, मोस्ट एबेंडेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जो सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर जो हम पढ़ते आए हैं, जैसे STB के अंदर तकरीबन वही सेम है, थोड़ी सी एक दो जैसे पॉइंट्स एडिशनल होंगी, किन किन जगहों पे वो हम पे डिस्कस करेंगे। वाटर इज वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ, 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। जैसे हम कहते हैं 70% से भी ज्यादा जो है प्लानिट अर्थ पे जो है वाटर है, प्लानिट अर्थ पे वाटर है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि वाटर की कितनी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज लाइफ की एग्जिस्टेंस है, वो लाइफ सपोर्टिंग प्लानिट है, वो सिर्फ अर्थ है, इसके अलावा बाकी प्लानिट्स हैं उनके, हाँ कोई भी लाइफ की ट्रेस नहीं मिली है, कोई ऐसी ट्रेसेस नहीं मिली, ये बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली वाटर की प्रेजेंस की वजह से होती है। तो ओवरऑल समंदरों के अंदर जैसे पानी पड़ा है, हम कहते हैं इसका क्या फायदा, इसका भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। जैसे 70% वाटर प्लानिट अर्थ पे है, इसका मकसद है ये पूरे प्लानिट अर्थ का जो टेम्परेचर की रेगुलेशन है, इसी वाटर की वजह से है। जैसे इतनी सनलाइट हीट वगैरह उसको एब्जॉर्ब करना, और ओवरऑल पूरे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर रेगुलेशन में इसी 70% वाटर का ही रोल होता है। ऐसे नहीं है कि 70% वाटर है बस, 70% वाटर, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। तो 70% ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज फाउंड ऑफ वाटर। जैसे हमने ये भी पढ़ा है, अभी चार्ट पढ़ा है कि सबसे ज्यादा 70% या बैक्टीरियल सेल हो चाहे मेमेलियन सेल हो, उसके अंदर 70% वाटर है। टोकिन टाइप के ऐसे सवाल हैं जो आप यकीनन याद करते जाएंगे। मोस्ट एबेंडेंट कंपाउंड इन एनी ऑर्गेनिज्म, लोएस्ट इज द 20% इन सीड्स एंड बोन्स। ये नए सवाल है, जैसे NTB के नए सवाल है, टोकिन टाइप की सवाल है, जैसे लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सीड्स और बोन के अंदर होती है, दैट इज द 20%, हाइएस्ट 85-90% इन द ब्रेन सेल। तो ये ऐसे सवाल कभी कभार आपको, जैसे आप इनको नोट कर लेंगे ना पॉइंट्स में, पॉइंट्स की सूरत में आपको नोटिंग होगी आपके पास, थोड़ी सी याददाश्त भी आपको आ जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से आप बायोलॉजी को आप हैंडल कर सकते हैं। तो अभी जो 68 क्वेश्चन जो है, ये 68 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी होगी ही नहीं। आप जैसे आप बायो के बारे में आप कंफ्यूज ही ना हो, परेशानी ना हो, आप ये सब मार्क्स ले सकते हैं। अगर इसी तरह से जो क्रेमिंग की पॉइंट्स हैं वो क्रेमिंग करके याद करें, थोड़ी एक दो प्रोसेस होंगे तो यकीनन जो उनको भी हम डिस्कस करें, तो ये आपको एक सपोर्टिंग स्कोर की सूरत में ये सब मिलेंगी चीजें। तो बहरहाल, तो ये 20% सीड्स एंड बोन्स के अंदर सबसे कम, एंड 85-90% इन द ब्रेन सेल्स, हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन में, जैसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में जैसे वाटर की प्रेजेंस होती है। जैली फिश जैसे आपको बताया एनिमल है, फाइलम नाइडेरिया से इसका ताल्लुक है, आपको बताया जैली फिश फाइलम नाइडेरिया सिलेंट्रेटा उससे ताल्लुक है। जैली फिश एक्सेप्शनली लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, 99% वाटर, 99% वाटर। तो यहाँ पे तो आपको तीन फिगर्स जैसे याद करने, तीन फिगर्स सीड की एंड बोन के अंदर कम वाटर है, और ब्रेन सेल्स में ओवरऑल जैसे ह्यूमन बींग है या मैमल्स है, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं, ब्रेन सेल्स उनमें 85-90% वाटर, बाकी रिमेनिंग जैसे 99% जैली फिश टोटली, जैसे लोअर एनिमल है और डिप्लोब्लास्टिक है सी वाटर के अंदर जैसे रह रहे हैं, तो वहां पे 99 है। तो इसमें आप तीन क्वेश्चन है, ये इस इंट्रोडक्शन में थ्री क्वेश्चन है जो इनकी ये जो फिगर्स हैं आप याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वाटर की अदर प्रॉपर्टीज के हवाले से, जैसे जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, तो बहुत ही आसान तरीके से दिया गया था STD के अंदर, उसमें भी आपने जैसे देखा H2O, यानी H2O हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक, हाइड्रोजन बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जैसे इसमें बॉन्डिंग का भी जिक्र है, तो ये थोड़े से नए टर्म्स हैं NTB के हवाले से, नए टर्म्स हैं STB में, जैसे पहले ये इतने नहीं थे। तो पोलरिटी है, हाई पोलरिटी पहली पहली प्रॉपर्टी है वाटर के हवाले से, हाई पोलरिटी है।
हाई स्ट्रक्चर तो वहाँ एसटीबी में अलग से पहले स्ट्रक्चर बताई गई थी कि जैसे H2O और देन वाटर, और वाटर की मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं और बॉन्डेड है। जैसे हम कहते हैं जैसे वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमने डिस्कस किया था। मोर ओवर जैसे वाटर को पोलर मॉलिक्यूल कहा गया था, ये एसटीबी की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, वही इसी इसी के अंदर कवर हो जाएगी, इसी हेडिंग के अंदर कवर हो जाएगी। एसटीबी के अंदर जैसे लिखा हुआ था कि जैसे ऑक्सीजन इज अ स्लाइटली नेगेटिव इन नेचर, स्लाइटली नेगेटिव इन नेचर इसका मतलब है इट अट्रैक्ट्स दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अपने, हालांकि जैसे आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर शेल के अंदर, जैसे आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी मौजूद है बट वहां पे 6 होते हैं। तो इसी तरह से जो ऑक्सीजन, इसी तरह से हाइड्रोजन है उसमें जैसे जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है बट 1 मौजूद है, तो यानी हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन आके शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है, तो इसी तरह से H2O। बट आप जैसे देखिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा गया बिकॉज इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल को, सॉरी हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी तरह से एक जो है जैसे अगर आप देखेंगे स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव जैसे ये टर्म आए, तो ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव बिकॉज स्लाइटली नेगेटिव क्यों, हाइड्रोजन को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है, हालांकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए बॉन्डिंग बनी है बट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, स्लाइटली नेगेटिव एंड आया। और हाइड्रोजन जैसे जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ तो उसमें स्लाइटली पॉजिटिव एंड आया, तो जिस पे स्लाइटली पॉजिटिव या नेगेटिव जो एंड होते हैं इस ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। तो इस बॉन्डिंग के हवाले से ये इसी जैसे वहां पे एसटीबी के अंदर ओवरऑल जैसे प्रॉपर्टीज दी गई हैं बट एनटीबी के अंदर ये हेडिंग है हाई पोलरिटी की हेडिंग उसमें मौजूद है, बॉन्ड्स विच आर फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इस कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड, केमिस्ट्री का टर्म है जो आपने पढ़ा है आपको अच्छी तरह से याद है। नॉर्मली द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज फेयरली इक्वल एंड द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द नॉन पोलर। हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे, जब इक्वल हो शेयरिंग हो तो हम उसे कहेंगे नॉन पोलर, बट जैसे इन केस ऑफ वाटर हाउएवर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नॉट कंप्लीटली इक्वल एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड एज, ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर, जैसे वो नॉन पोलर ये पोलर है। तो क्यों शेयरिंग जैसे एक कंप्लीटली इक्वल नहीं है, जैसे हालांकि वाटर की जो ऑक्सीजन का जो पार्ट है उसके अंदर जैसे 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन की दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या पुल करते हैं, तो यानी हालांकि जिसमें बेनिफिट तो दोनों का है, जैसे शेल वैलेंसी उनकी कंप्लीट हो रही है, शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं बट ऑक्सीजन जो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करता है, इस वजह से हम कहेंगे कि जैसे ये जो है इक्वल नहीं है, नॉट कंप्लीटली इक्वल। सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकली बॉन्डेड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस वाटर के अंदर क्या है, दैट इज ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन भी जैसे हम देखेंगे डायग्राम देखते हैं वहां पे जैसे नेगेटिव साइन होगी, मेकिंग इट पार्शली नेगेटिव एंड अदर एटम पार्शली पॉजिटिव। पार्शियली पॉजिटिव क्या होगा, दैट इज विल बी हाइड्रोजन, और पार्शियली नेगेटिव दैट इज वाटर के अंदर वो ऑक्सीजन होता है। तो ये ऐसी पॉइंट्स यकीनन जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ी है आपको अच्छी तरह से पता भी है और आप एक्सपर्ट भी हैं, वेरी मच एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री। तो ये ओवरऑल जैसे आप पोलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो अनइक्वल जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन एटम दोनों जो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, जैसे ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जैसे यहाँ पे जैसे अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन 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 जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंट है चारों तरफ से, जैसे हाइड्रोजन जैसे जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, या इस तरह से ओ एंड ओ जैसे ये भी एक जैसे इक्वल इक्वल है शेयरिंग है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बट ये वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, पोलर कोवेलेंट बना। मोर ओवर एक और भी टर्म जैसे एसटीबी के अंदर ऐसी डायग्राम भी मौजूद है कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल की 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग है, और सामने वो भी 4 वो भी 4, इसी तरह से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन
पूरी एक सरफेस बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं जितने भी वाटर मालिक्यूल होंगे। तो जैसे ये, जैसे आप देखें H2O, जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन हुआ, तो जहां पे हाइड्रोजन जहां पे पॉजिटिव एंड है, हमने इसके जो दूसरा वाटर मालिक्यूल होगा उसका, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे है तो ये ऑक्सीजन होगा, ये डॉट वाली जो बॉन्डिंग निशानी है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की है, ये जैसे डॉट्स आपको नजर आ रही है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन है, तो इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जैसे ये डॉट्स वाली बॉन्ड है, ये भी जैसे डॉट वाली हाइड्रोजन बॉन्ड है। वन वाटर मालिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मालिक्यूल्स, फोर अदर वाटर मालिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आगे हम पढ़ेंगे इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, उसको जैसे रेगुलेट करना, मेंटेन करना, उसमें इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है या किरदार है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से जैसे हम बात करें तो ये देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आइटम जैसे फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बट जो सेकेंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, बट जैसे मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जैसे कम है, तो हाइड्रोजन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आएंगे आके ऑक्सीजन को देंगे, और इसी तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन शेल इन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, इस तरह से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है स्लाइटली नेगेटिव एंड होता है और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है। ओवरऑल ये डायग्राम्स हैं आपने जैसे पढ़ा हुआ है, आपको अच्छी तरह से पता है, आप ये डिस्कस कर सकते हैं, याद भी होगा यकीनन आपको। अब जो है इसी हवाले से जो प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, जो एक प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे है, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की है। जैसे आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर आपने 3 टर्म्स पढ़े होंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और मिक्सचर जो होती है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन, हेट्रोजीनस, होमोजीनस, जो मिक्सचर ऑफ जो बनता है सोल्यूशन बनते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब तक कोई चीज जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, तो केमिकल रिएक्शन, खास तौर पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होने के लिए यानी वाटर की प्रेजेंस का होना जरूरी है। अगर वाटर नहीं है तो मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन बहुत ही ना होने के बराबर जैसे नहीं, तो हर केमिकल रिएक्शन होने के लिए कि जैसे एक अक्वेस मीडियम होना चाहिए, अक्वेस मीडियम मीन्स एक वाटरी मीडियम होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, वाटर होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन जैसे नहीं होते, तो दस इन वाटर। तो ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो वेरी सिंपल हैं, आपने मेनी टाइम्स जैसे पढ़ी हुई है, तो हम इतनी इसमें एनर्जी लगाएं या मेहनत करें तो इतनी कोई खास चीज नहीं, एंटिटीज के हवाले से। द वाटर वाटर द ऑक्सीजन एटम इज स्लाइटली नेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन जैसे आपको पता है स्लाइटली नेगेटिव है, एंड नेगेटिव चार्ज, इवन दो वाटर एज अ होल इज न्यूट्रल, वाटर एज अ होल इज न्यूट्रल, यू नो वेरी वेल, बिकॉज ऑफ इट्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वाटर पोलर, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल एंड इट हैज स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव। ये NTB की पॉइंट्स है जो वर्ड बाय वर्ड जैसे डिस्कस करें, बिकॉज काफी स्टूडेंट कहते हैं कि हम बुक रीडिंग नहीं करते, ये बुक है, मैं बताता भी रहता हूँ, तो ये बुक की रीडिंग ये है जो पॉइंट वन बाय वन आ रही है, और ये सिंपल चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, इसी वजह से हम इतनी ज्यादा जो है इस पे टाइम इस पे नहीं देते हैं, नहीं लगाते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के हवाले से, पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक्स इट यूनिवर्सल और एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस, एक्सीलेंट और यूनिवर्सल। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस H2 सोल्यूशन बनता है, शुगर का भी सोल्यूशन बनता है, तो ये वाटर की जो एक सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट नेचर होने की वजह से ये है। जैसे आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट कैन बी इजिली डिसोसिएट इन वाटर एंड ऑन नॉन पोलर सब्सटेंस हैविंग चार्ज ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल कैन आल्सो डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व की मीनिंग है डिसोसिएट इनटू आयंस, जैसे सोडियम क्लोराइड तो डिसोसिएट इनटू आयंस होगा, तो उसकी भी एक थोड़ी रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है डिसोसिएट होते हैं। सच कंपाउंड्स डिजोल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव आयंस एंड आर इन मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद इन विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इज द रीजन व्हाई ऑल द केमिकल रिएक्शन बीइंग इन अक्वेस मीडियम। तो ये अक्वेस मीडियम यानी वाटरी मीडियम, वाटर होगा तो केमिकल रिएक्शन, जैसे आमतौर पे सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, तो ये अक्वेस मीडियम के अंदर ये सारे जो केमिकल रिएक्शन होंगे, सारे केमिकल रिएक्शन अक्वेस मीडियम में होंगे। एक जैसे एग्जाम्पल है
जैसे सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, जैसे जैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे सारे वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, और सोडियम क्लोराइड जैसे डिसोसिएट इंटू आयन, डिसोसिएट इंटू आयन, जैसे क्लोरीन पे जैसे नेगेटिव चार्ज जैसे, और सोडियम एने ये तो पॉजिटिव है। तो आप जैसे देखें सोडियम जो पॉजिटिव है तो उसके इर्द गिर्द जो है ऑक्सीजन नेगेटिव जो है इसके साथ जो है अटैच हो जाती है। तो ये इसी तरह से जो क्लोरीन जैसे नेगेटिव है तो उसके साथ ये हाइड्रोजन पार्ट आ जाते हैं, क्लोरीन नेगेटिव तो पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन, और इसी तरह से सोडियम जो है जैसे पॉजिटिव है तो उसके इर्द गिर्द जो ऑक्सीजन नेगेटिव डिसोसिएट इनटू आयन। तो यानी वाटर इज कंसीडर्ड गुड सॉल्वेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे टेबल साल्ट इसका एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज अट्रैक्टेड, ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव सोडियम आयन। जैसे ये ऑक्सीजन पार्ट है इसमें, जैसे ऑक्सीजन जो पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव है वाटर का, और इसी तरह से जो है सोडियम पॉजिटिव है तो इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होके जाता है। इसी तरह से द हाइड्रोजन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन जैसे आपको पता है कि उसमें जो हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, यकीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड क्लोराइड आयंस हैं जो। तो इसी तरह से ये डिसोसिएट इनटू आयंस होंगे तो देन जो है इनका ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है। अदरवाइज जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव नेचर होने की वजह से ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अदरवाइज ये वेरी डिफिकल्ट टू हैपन। तो ये जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट की जनरली बात है, नंबर 3 पॉइंट इज द कोहेशन एंड एडिशन। तो कोहेशन एंड एडिशन दो ऐसे टर्म्स हैं जो वेरी सिंपल मैनर में आपने जैसे पढ़े हैं, जैसे एडिशन कोहेशन। जैसे आपको याद होगा जैसे वाटर और वाटर की आपस में लिंकेज बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, यानी हम कहेंगे कि ये जब सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लिंक होते हैं, तो उसे हम कहेंगे कोहेशन कहेंगे। और डिसिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं, जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल होंगे जैसे हम एग्जाम्पल कॉमनली लेते हैं प्लांट्स के अंदर वाटर प्लस सेलुलोस, तो ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल हुए तो इसे हम कहेंगे एडिशन। और आप स्टूडेंट्स को याद होगा फर्स्ट ईयर में एसटीबी में हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर, जैसे जैसे एक असेंट ऑफ सैप पढ़ते हैं, और उसके बाद जैसे ट्रांसपायरेशन की थ्योरीज के हवाले से ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी जिसे एडिशन कोहेशन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा एडिशन की मीनिंग है वाटर मॉलिक्यूल सेल्यूलोस के साथ जाइलम के अंदर वो अटैच होता है, इसी तरह से वाटर वाटर के साथ लिंक होता है। इसी रीजन की वजह से जैसे फ्रॉम रूट से लेकर टिल द टिप ऑफ द ट्री, ये पूरा कॉलम की सूरत में अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जाता है। तो ये सी एडिशन कोहेशन टेंशन जैसे थ्योरी थी ट्रांसपायरेशन की, तो ये प्रॉपर्टी होती है वाटर में। अगर ये वाटर वाटर के साथ लिंक ना होता, या जिस तरह से वाटर किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ लिंक ना होता, तो इतना बड़ा डिस्टेंस जो है हंड्रेड्स ऑफ फीट जो अपवर्ड अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये वाटर नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता था। तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन कोहेशन, सबसे पहले आप इन दोनों टर्म्स को समझेंगे, देन कहाँ कहाँ भी जैसे ह्यूमन बीइंग में या जो जैसे सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, या न्यूट्रिएंट जिसके अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं आपको पता है ब्लड के जरिए, तो इसमें आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं ब्लड के, एक जैसे प्लाज्मा पार्ट है और दूसरे जैसे ब्लड सेल्स हैं। प्लाज्मा पार्ट का 90% वाटर होता है, प्लाज्मा पार्ट का 90% वाटर होता है। इसी वजह से ये सब्सटेंसेस जो है एक क्लोज वेसल्स है उनके अंदर जैसे फ्लो करें बिकॉज ऑफ दिस वाटर। वाटर अगर ना होता तो शायद ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट ऐसे किस तरह से हो सकती, नहीं हो सकती कोई उसको, यानी मीडियम ही नहीं। क्वेश्चन अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स विच एनेबल द वाटर मॉलिक्यूल टू स्टिक टूगेदर, वाटर वाटर के साथ जैसे स्टिक टूगेदर किसके जरिए स्टिक होंगे, यकीनन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से वाटर फ्लोज फ्रीली ड्यू टू कोहेशन एंड वाटर मॉलिक्यूल आल्सो हैव अट्रैक्शन टू पोलर सरफेस, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडिशन। बोथ एडिशन एंड कोहेशन आर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग द वाटर मॉलिक्यूल। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एनेबल सर्कुलेट लिविंग बॉडीज एंड टू एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, टू एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ह्यूमन बींग का हमने एग्जाम्पल लिया, तो
तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम प्लाज्मा उसके अंदर 90% ही वाटर है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। एडिशन कोएशन टेंशन थ्योरी भी हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ी थी, तो एडिशन कोएशन दो टर्म्स पढ़ेंगे और बाकी चीजें आसान हो जाएंगी, इतनी इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। जैसे और भी इसको छोटी इलस्ट्रेशन के जरिए समझाया गया है कि जैसे कोएशन कोएशन वाटर प्लस वाटर सिमिलर मॉलिक्यूल, एडिशन एडिशन डिसिमिलर, तो वाटर का जो जाइलम के साथ जो लिंक होता है तो उससे हम कहते हैं एडिशन, कोएशन एडिशन हुआ। और इसी तरह से यहाँ पे अलग से शायद आपको क्लियर थोड़ी सी नजर ना आए तो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल जो जाइलम वेसल के जरिए जाते हैं ना, तो उसकी हवाले से ये इलस्ट्रेशन है। जैसे रूट्स हैं तो प्लांट्स की रूट्स हैं उससे लेकर जो है देन स्टेम टिल द टिप ऑफ द ट्री जो ये वाटर जाता है, व्हाई बिकॉज ऑफ दिस एडिशन कोएशन, जाइलम के अंदर कोएशन एंड एडिशन प्रॉपर्टी। तो ये जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल के अंदर जैसे आप देख रहे हैं वाटर वाटर के साथ लिंक भी होता है एज वेल एज वाटर जो है जाइलम के साथ भी अटैच होता है। इस वजह से इस पूरे यानी ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई भी स्पेस नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है, कोई जिस तरह से ऐसा गैप नहीं, बिल्कुल ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस एडिशन कोएशन टेंशन थ्योरी और दो मेन प्रॉपर्टीज वाटर की कौन सी कि वाटर वाटर के साथ लिंक हो सकता है, वाटर जो है जैसे अदर जो है कंपोनेंट है उनके साथ भी लिंक हो सकता है। तो इस तरह एडिशन कोएशन टर्म्स आए, एडिशन कोएशन टर्म्स आए। एडिशन कोएशन से रिलेटेड एक और भी टर्म है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को लास्ट में देखते हैं, फिलहाल एनटीबी की जो पॉइंट्स है उस पर हम चल रहे हैं। एनटीबी एडिशन कोएशन और देन हाई हीट कैपेसिटी। हाई हीट कैपेसिटी जैसे आपको पता है कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं है कि जस्ट एक ही वाटर मॉलिक्यूल है जो चार दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक है, जैसे ये भी वाटर मॉलिक्यूल ये वाटर मॉलिक्यूल आगे भी इसी तरह से वन वाटर मॉलिक्यूल लिंक्ड विद अदर फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल, ये भी इसी तरह से चार दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक होता है, बॉन्ड होता है, अटैच होता है एक दूसरे के साथ, वाटर वाटर के साथ लिंक होता है। तो जब तक मीन्स एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाकी वाटर मॉलिक्यूल से अलग होता है तो यकीनन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है जिसके जरिए वाटर वाटर के साथ लिंक होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होनी चाहिए। तो आप देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, कितने जगहों पे चार जगहों पे सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, चार पॉइंट्स भी है। जब तक ये यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होती है तो मीन्स वाटर जो है अलग या सेपरेट नहीं होगा। तो यू नो वेरी वेल कि वाटर की जैसे थ्री स्टेट्स होती है तो यानी वाटर की जो वेपर्स बनते हैं अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे बॉइलिंग पॉइंट है और देन जो जैसे वेपर बनते हैं जैसे आपने पढ़ा है। तो ये जब भी आपने देखा होगा कि जब वाटर को बॉयल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम इतनी हीट दे रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें जैसे वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल, ये सारी जो बॉन्डिंग है वो सब ब्रेक होगी। जब तक ये ब्रेक नहीं होती है तो मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एवोपरेट ये से नहीं हो रहे, बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर्स नहीं बनेंगे, तो उसको बहुत ही ज्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक बड़ा टेम्परेचर होता है तब जाके जो है ये सारी बॉन्डिंग ब्रेक होगी और देन जो है ये जिस तरह से वेपर्स बनते हैं। तो इसी तरह से जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने देखा है कि इन्वायरमेंट सब एक जैसा हर वक्त नहीं होता है, कभी टेम्परेचर कम भी होता है, कभी टेम्परेचर ज्यादा भी होता है। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचर ने एक ऐसा वाटर मॉलिक्यूल का गिफ्ट रखा है कि जब भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो मींस एनवायरनमेंट का जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इतना बड़ा उनका असर नहीं होता है। क्यों नहीं असर होता है, वाई बिकॉज जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग तक जो 70% उनके अंदर वाटर होता है, 70% वाटर होता है। तो वाटर में वाटर वाटर के साथ लिंक होता है, बॉन्डिंग है,
तो उनको बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगेगी, वेरी हाई एनर्जी की जरूरत होती है, तब जाके कोई ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी और वाटर मॉलिक्यूल अलग होंगे। तो उसी हवाले से है हाई हीट कैपेसिटी, यानी कैन बी डिफाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, दैट इज जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर वाटर के साथ लिंक है, तो यानी उसका टेम्परेचर जैसे या स्टेट वाटर की आसानी से चेंज नहीं की जा सकती। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द कैलोरी, ये फिजिक्स के हवाले से होगी, यकीन कैलोरी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट ये इसका 4.18 जूल्स जैसे बताया गया है। तो हमारे एसटीबी के अंदर भी जैसे ये पॉइंट बताई गई है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम सब्सटेंस, तो उसे हम कहेंगे हाई हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो इसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है, इस वाटर की प्रेजेंस की वजह से अगर हीट उसको मिलती है एटमॉस्फेयर की वजह से, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर यकदम चेंज नहीं होता है। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ वाटर वाटर के साथ लिंक हुआ है, तो उसमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए तब जाके उसमें चेंज या तब। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन एनटीबी में है, वाटर हैज रिलेटिवली वेरी हाई हीट कैपेसिटी दैट एनी अदर सब्सटेंस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अभी हमने नोट किया ना कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल, तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम उनको आसानी से जैसे ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर इज यूटिलाइज इन द ब्रेक डाउन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर फोर इट डज नॉट मैनिफेस्ट सेल्फ इटसेल्फ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो यानी जितनी भी हीट बाहर से आएगी तो यानी वो पहले एब्जॉर्ब करे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो देन जो है टेम्परेचर रेज होगा या वाटर की स्टेट भी तभी चेंज होगी जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। हेंस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन इंक्रीज वेरी लिटिल टेम्परेचर इन वाटर। जैसे शुरू में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि प्लानिट अर्थ पे 70% वाटर है, तो यही रीजन है जिसकी वजह से जैसे जितनी भी हीट वगैरह होती है वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं। पूरे प्लानिट अर्थ का इतना बड़ा जैसे टेम्परेचर उसमें राइज हो इंक्रीज हो ये नहीं होती है, ये वाटर की वजह से, वाटर बॉडीज की वजह से होती है। सो ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी वाटर वर्क्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर और रेगुलेटर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द हॉट एनवायरमेंट एंड हेंस प्रोटेक्ट्स द लिविंग मटीरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। एनटीबी की पॉइंट्स हैं, तो यही सेम बात जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करें कि यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा वाटर के साथ है, सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंक है, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, टू मीन्स वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, अदरवाइज जब सेपरेट नहीं हो, जब तक ये सेपरेट नहीं होगा तो मीन्स बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, उसमें बिग चेंज नहीं आएगी। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जैसे हीट नीडेड होती है, और हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, इस वजह से आसानी से टेम्परेचर रेस या इंक्रीज जैसे नहीं होता है। सिंपल छोटी सी बात है, आप जैसे इसको आसानी से नोट कर सकते हैं, ये जस्ट इलस्ट्रेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, कि हीट कैपेसिटी नीडेड 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी हाई कंपेयर टू एयर एंड लैंड मटेरियल। और इसी तरह से जो इसे ये हीट है तो मीन्स ये इसको जो है वाटर जैसे एब्जॉर्ब करता है, और इस वजह से जैसे पूरे प्लानिट अर्थ का जो टेम्परेचर उसमें रेज या इंक्रीज नहीं होती है, इस वजह से प्लानिट अर्थ जो है एक सपोर्टिंग प्लानिट है, लाइफ को सपोर्ट करने का प्लानिट है। अगर इन्वायरमेंट के हवाले से चेंजेस होती जाए, जैसे इस वक्त हमारे इलाकों में जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर है, तो अगर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर सस्टेन ही नहीं कर पाता, डेथ हो जाती, तो ये सब क्यों भाई? बिकॉज अब जैसे हमारे वाटर की प्रेजेंस की वजह से बॉडी के अंदर जो है ये चेंज, इतनी बड़ी चेंज एकदम नहीं आती है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी इसी से जैसे रिलेटेड है, सेम इसी चीज है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड इन टू गैसियस फॉर्म। तो इसको जैसे पढ़ने से पहले जैसे मैं एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे एनटीबी के अंदर रखा गया है, होपफुली आप उस एग्जाम्पल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। व्हेन एन एनिमल स्वेट्स, यानी जब पसीना होता है तो बॉडी हीट इज यूज टू वेपराइज द स्वेट दस कूलिंग द एनिमल। एवापोरेटिव कूलिंग, जैसे हमने जैसे इंटर क्लास में
होम्योस्टेसिस में थर्मोरेगुलेशन में पढ़ा था कि जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा रेज होता है तो मींस कौन सी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है इसको टेम्परेचर को कम करने के लिए, स्वेटिंग का अमल होता है। जब भी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल उससे कम होता है तो शिवरिंग होती है, तो शिवरिंग होती है, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होती है, तो उससे क्या होता है थोड़ी हीट जनरेट होती है। इसी तरह से नेचर ने ये हमें दो फिनोमेना दिए हैं, शिवरिंग एंड स्वीटिंग एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे गर्मियों में आप या किरण आप जैसे फील करते हैं कि हमें स्वीटिंग होती है, सर्दियों में जैसे शिवरिंग होती है, तो ये थर्मोजेनेसिस या उस थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है। तो एनी वे वेन एनिमल स्वीट्स बॉडी हीट इज यूज टू वेपराइज द स्वीट दस कूलिंग द एनिमल, तो उससे क्या होगा एनिमल कूल होगा। जैसे प्लांट्स के अंदर ये होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आपने नोट किया है टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ता है, मोर टेम्परेचर मोर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, मोर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो इस हीट या हॉट एनवायरमेंट के अंदर प्लांट्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। जैसे ट्रांसपायरेशन नेसेसरी इविल है ना, कि लॉस तो नहीं होना चाहिए, बट वाटर जैसे ट्रांसपायर होगा, वाटर रिमूव होगा तो प्लांट को कूल करने में भी उसका रोल होता है। तो यही सेम बात है, कूलिंग द एनिमल ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, वाटर एवापोरेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 98 मिलीलीटर वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें जैसे 1 लीटर है, 1 लीटर उसका जस्ट 2 मिलीलीटर जैसे एवापोरेट हुआ, 2 1 लीटर में 2 मिलीलीटर जो एवापोरेट हुआ, बाकी क्या हुआ 98 मिलीलीटर वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिमेनिंग, उसको जैसे मेंटेन किया। ये किस प्रॉपर्टी की वजह से? बिकॉज ऑफ दिस वाटर की प्रॉपर्टी, जो ओनली जैसे 1000 जैसे मिलीलीटर में 2 मिलीलीटर का लॉस हुआ और इतना बड़ा चेंज टेम्परेचर के अंदर नहीं आई और बॉडी कूल हो गई, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे हाई हीट वेपराइजेशन। तो ये अब मजीद उसकी पॉइंट्स है, हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज वाटर हैज अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन देन 50 कैलोरीज पर ग्राम, फिजिक्स के हवाले से होगा या केमिस्ट्री के हवाले से। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मींस दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद द मिनिमल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट विद द मिनिमल, कैसे? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसके लिए जस्ट 1000 मिलीलीटर में 2 मिलीलीटर जैसे हीट लॉस को जैसे एवापोरेट हुआ वाटर और बाकी बॉडी जो है वो कूल हो गई, तो ये नहीं देखें 998 मिलीलीटर ये तो कूल हुआ ना, वो तो उसका तो उस पर तो इम्पेक्ट नहीं पड़ा, जस्ट ओनली 2 मिलीटर जैसे एवापोरेट हुआ। तो यानी जैसे ये पॉइंट है ना, तो ये इसी स्विचिंग पसीने वाला जो एग्जाम्पल है उसके ये जो फिट होती है पॉइंट, कि यानी दिस इज द हाई हीट वेपराइजेशन वाटर दैट गिव्स एनिमल्स एन इफेक्टिव वे टू रिलीज एक्सेस बॉडी हीट इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इन इन अ हॉट एनवायरमेंट। जैसे हमें भी जैसे इस जैसे एनवायरमेंट के हवाले से आपने देखा होगा, जब भी बहुत ज्यादा गर्मी या ऐसी महसूस होती है फौरन जैसे एक पसीना रिलीज होता है। पसीना एक स्ट्रेस का भी होता है, जैसे सर्दियों के मौसम में एक स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, तो उस हवाले से भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में पसीना अलग चीज है। बट हॉट वेदर के अंदर जैसे स्विचिंग होना, बॉडी टेम्परेचर जैसे वो इंक्रीज हो रहा था, बट उसको जैसे हॉट एनवायरनमेंट को उसको बैलेंस रखने के लिए जैसे स्विचिंग का अमल होता है, एवापोरेटिव कूलिंग का अमल होता है, जैसे 1000 लीटर्स के अंदर जस्ट ओनली 2 मिलीलीटर उस हीट को लॉस करने में जो है वो सफिशियंट है। और इसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर जैसे एक हवाले से रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हाई हीट वेपराइजेशन। नंबर 6 पॉइंट है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन बहुत ही सिंपल इसकी इलस्ट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर है और एक वाटरी मीडियम है उसके ऊपर जैसे आप कोई ऑयल है उसका ड्रॉप होता है, तो आपको पता है कि ये आपस में जैसे इनका एक मिक्सचर नहीं बनता, बिकॉज हाइड्रोफोबिक आपने एक लफ्ज सुना है कि ये जैसे लिपिड्स के अंदर ऑयल्स की जो कैटेगरी है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन कैन बी डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जैसे ऑयल्स हैं, ये फैट्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक और वाटर, इनके दरमियान कॉन्टेक्ट एरिया की रिडक्शन ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस विच आर प्लेस्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्लेस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर
solution, the oil drops will tend to join into single drop. Basically, hydrophobic exclusion play key role in maintaining the integrity of the lipid bilayer. Aap students ko yaad hai lipid bilayer जिसमें फॉस्फोलिपिड के दो लेयर होते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो लेयर होते हैं, जिसमें आपने देखा है कि जैसे अगर हम सेल की बात करें, ये सेल है तो एक उसका एक इंटीरियर साइड है और दूसरा ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की ये पॉइंट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है उसमें आपने देखा है कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और दूसरा इसके सेल के अंदर के साइड का जो पार्ट होता है। तो ये लिपिड बायलेयर है उसमें क्या है कि फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, इस वजह से दे रिपेल ईच अदर, और प्लस में जैसे इनका हेड एंड होता है जो फास्फेट ग्रुप होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, इस वजह से ये इंटीग्रिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इसी नेचर की वजह से ये मेंटेन होती है, इंटीग्रिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज मेंटेन ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे ये इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन की वजह से, दिस इज Why? Because of hydrophobic exclusion. जैसे ये lipid bilayer है, आपको पता है कि ये इसका जो phosphate group जैसे होता है ये hydrophilic in nature है, जो heads होते हैं, और ये जो fatty acid वाला end है जो ये hydrophobic fatty acid के जो tail होते हैं। तो इस तरह से एक जो है, जैसे आपको पता है कि सेल्स होते हैं उनका एक्सटर्नल मीडियम जो है वो भी उसके अंदर वाटरी एक मीडियम होता है, इंटरनली साइटोप्लाज्म उसके अंदर भी जैसे वाटर है। तो ये जो प्रॉपर्टी मेंटेन है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन की वजह से, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन जिसमें फैटी एसिड के दोनों जो है टेल एंड है दे रिपेल ईच अदर। दूसरी तरफ से जैसे आप देखते हैं फास्फेट ग्रुप है तो वाटर लविंग है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल वाटर इंटरनली वाटर वो वाटर लविंग है, ये वाटर हीटिंग, इस तरह से जो है ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन के जरिए अपने आप को ये मेंटेन की है सेल मेम्ब्रेन की इसी इंटीग्रिटी। और ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे लाइक एनटीबी के अंदर भी मौजूद है, जैसे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे तो पोलर नॉन पोलिक पोलर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के हवाले से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे एक फैट या ऑयल का ड्रॉप होता है वाटर के साथ जैसे मिक्स नहीं होता, अलग होता है, तो उसी की इलस्ट्रेशन जो एनटीबी में बुक में दी गई है वो सेम, इसकी इतनी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट नंबर 7 है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन जैसे केमिस्ट्री के हवाले से आपने जैसे पढ़ा होगा डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो आपको पता है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, जब उसकी आयोनाइजेशन होगी तो आपको पता है कि एक OH आयन बनते हैं और H आयन बनते हैं, H एंड OH आयन, H दैट इज द हाइड्रोजन आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, OH दैट इज उसमें नेगेटिव है। तो इसी तरह से जब H एंड OH है, जैसे आपने पढ़ा होगा कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर जैसे दो जैसे मोनोमर्स होते हैं या दो कोई मॉलिक्यूल होते हैं, एच एंड ओ एच मिलके वाटर मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, वाटर की रिमूवल होती है कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो एच एंड ओ एच जैसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि डिसोसिएट कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, जैसे वाटर मॉलिक्यूल आयंस में डिसोसिएट हुआ हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन, और यही हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयन से वाटर मॉलिक्यूल भी बन सकता है, डिसोसिएट भी होता है, इन्हीं से वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। तो इसकी यानी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ये है, जैसे कि आपको पता है कि जितने मींस ऐसे मीडियम जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे तो यकीनन वो एसिडिक मीडियम होता है, एसिड की डेफिनेशन में भी यही आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो बेसिक और अल्कलाइन होता है। एंड यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका एक प्रॉपर pH होना चाहिए, तो जाके वो काफी सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पीएच होता है, एंजाइम सारे पीएच लायबल एंड थर्मोलायबल यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक पीएच पे काम करेंगे, अदरवाइज दे डू नॉट वर्क। तो इसी तरह से ये जो ये किसका यानी रोल होगा, जैसे अगर कोई एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है वहां पे एच आयन ज्यादा आ जाए तो जाहिर है सब्सट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, या OH आयन आ जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी, जब एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी तो बॉडी मेटाबॉलिज्म के अंदर जो बहुत ही बड़ी चेंजेस की जो है रीजन या सब इवन डेथ हो सकता है अगर पीएच की जो है लेवल्स है वो चेंज है। इसी तरह से ब्लड का पीएच भी है आपको पता है, तो ये सारी जो एसिड बेस बैलेंस रखने में
वाटर मॉलिक्यूल का रोल होता है या किरदार होता है। एसटीबी के अंदर एक टर्म मौजूद है कि वाटर बिहेव्स एज अ बफर। केमिस्ट्री के अंदर जैसे बफर के बारे में आपने पढ़ा है कि यानी ऐसी सब्सटेंस दैट मिनिमाइजेस द चेंजेस इन पीएच, उनकी कोशिश होगी दैट मिनिमाइजेस द चेंजेस इन पीएच। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम हो गया, यकीनन तो उस जगह पे वाटर डिसोसिएट होके आयंस के अंदर एच एंड ओ एच आयन तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, एच एंड ओ एच आयन तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह से जो है इसको यानी इसकी मीडियम की जो जो पीएच की जो कंसंट्रेशन है उसको स्टेबलाइज रखने में इनका रोल होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रोल। इसी तरह से एक ऐसी यानी प्लेस जगह या मीडियम जिसमें ओ एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यकीनन ऐसा मीडियम क्या होगा, ऐसा मीडियम जो है बेसिक और अल्कलाइन होगा। तो हम सोचेंगे एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ता है एंजाइम एक्टिविटी पे। एंजाइम एक्टिविटी जैसे आपको पता है कि हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक पीएच होता है, उसी पे एंजाइम अपना फंक्शन दिखाते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ये नहीं, पीएच के अंदर जो चेंजेस अगर आ जाए तो यानी एक बहुत ही बड़ी ड्रेस्टिक चेंज बॉडी के अंदर आ सकती है। अब इन पीएच के जो चेंजेस आते हैं इनको मिनिमाइज करने का किसका रोल होगा, मिनिमाइज करने का मींस ये वाटर का ही रोल होता है। तो इस हवाले से जैसे पीएच स्केल आपने जैसे पढ़ा होगा, पीएच स्केल के बारे में जैसे केमिस्ट्री के अंदर भी जैसे 1 से लेकर 4, जैसे पीएच स्केल जैसे 7 इज द न्यूट्रल मीडियम होता है, और जैसे 7 से ब्लू जाएंगे यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, या तो ये चीजें इतनी ज्यादा एसिडिक होती जाएंगी। 7 से अबव जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे, तो यानी ये मीन्स ये बेसिक, जितनी 7 से अबव जाएंगे 14 तक वो उतनी चीजें बेसिक हो जाएंगी, कम होती जाएंगी उतनी चीजें एसिडिक होती हैं। तो काफी सारी जैसे सब्सटेंसेस हैं जैसे बैटरी एसिड, उसका पीएच 0 होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है पॉइंट, कोई भी सिलेबस में ये पॉइंट नहीं है, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पीएच का क्या होता है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, तो H2O ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल कैन ब्रेक इनटू H एंड OH आयन। इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर जैसे कैसे होता है, जब भी मींस किस मीडियम में जो बेसिक हो रहा है तो वाटर डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन उनको देगा। अगर जैसे कोई मीडियम जो है जैसे एसिडिक हो रहा है तो मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको OH आयन मिले, बेसिक होगा तो यकीनन उसमें क्या है OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर डिसोसिएट होके वहां के हाइड्रोजन आएंगे। तो एसिड लो पीएच जब हम तब कहते हैं जब उसमें हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होते, बेस से कहते हैं जिसमें बेस यानी जिसमें पीएच बढ़ता जाएगा, जैसे हम कहते हैं 7 से ज्यादा होंगी चीजें तो उसमें लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाई जो OH होते हैं। तो ये 7 जैसे न्यूट्रल मीडियम है तो वाटर की ये कोशिश होती है कि यानी इस पीएच को किसी हद तक जो है उसमें चेंजेस ना आए, तो उसे हम बफर कहते हैं। तो ये काफी सारे एग्जांपल है, जैसे प्योर वाटर है उसका 7 पीएच होता है, और जैसे 7 से नीचे जाएंगे तो ये मोर एसिडिक होती जाएंगी। ये जैसे कई एसिड रेन वगैरह काफी है, ये स्लाइवा है, या इस तरह से 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आएंगे तो मीन्स वो उतने ज्यादा अल्कलाइन और बेसिक नेचर होते हैं। इसी के अंदर एक पॉइंट है मींस एनटीबी में फर्स्ट टाइम जैसे आई है, एसटीबी में पहले नहीं थी, एनटीबी की पॉइंट है, एनटीबी की पॉइंट इसमें आई है। एनटीबी में पॉइंट ये है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबली बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रिवर्सिबली कैसे, वाटर ब्रेक होता है OH एंड H आयन में, रिवर्सिबली भी है बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। H एंड OH आयन अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मेनी ऑफ द रिएक्शन दैट अकर इन द सेल्स, एग्जांपल दैट हेल्प टू मेंटेन और चेंज द पीएच ऑफ द मीडियम। तो मीडियम जैसे आपको पता है एसिडिक एंड बेसिक क्यों होते हैं, बेस तब होता है जिसमें OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा H की कम, और एसिड तब होता है जब उसमें H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा OH कम होता है। तो वाटर इस जगह पे स्प्लिट होगा, डिसोसिएट होगा H एंड OH आयन में, तो ये उस मीडियम के अंदर जो पीएच में जो चेंजेस आती हैं उसको मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है ताकि ये मीडियम चेंज ना हो। तो बाकी जैसे अब आपकी नेक्स्ट जो फिजिक्स की क्लास होगी,
बाकी हम कल पढ़ेंगे, और इवनिंग में जैसे एंट्री टेस्ट की फुल जो सेशन होगा उसका जो जेनेटिक्स पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। सी यू बाय इवनिंग। थैंक यू।